सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन की, जो कि आप 20,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, अगर आपको स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, मतलब हर एक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आज मैं आपको स्मार्टफोन बताऊंगा। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5 पे यार मैंने रखा Realme 8 Pro को। तो यार अगर आप Realme लवर हो, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको Realme 8 Pro नहीं लेना ना, तो मैं आगे भी आपको एक Realme का स्मार्टफोन बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं हम Realme 8 Pro की। सबसे पहले बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको 90,999 की प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 128GB रेड में देखने को मिलेगा, एंड 8GB रैम प्लस 128GB रेड में देखने को मिल जाता है Realme 8 Pro। लेकिन जो अपने प्राइस रेंज में सेट बैठता है ना, वो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज जो है वो सेट बैठ जाता है। 6.4 इंच के साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बेस्ट होने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके चिपसेट की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ भेज है। तो इसका जो प्रोसेसर है ना, वो भी आपको अच्छा मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है, आप कर सकते हो। क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल के साथ वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल के साथ आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, एंड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको मैक्रो मिल जाता है, एंड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है भाई। 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाएगी। 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 50 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वैसे ये 4 कलर्स में देखने को मिलता है Realme 8 Pro। भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए Realme 8 Pro के। तो भी अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप जा सकते हो। अगर आप Realme लवर हो, Realme का ही स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, एंड इसकी जो चिपसेट है ना, वो भी आपको सही मिल जाता है। गेमिंग वगैरह करवा देगा, वहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आगे भी मैं आपको Realme का स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहना, स्किप आउट मत करना। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 पे यार मैंने रखा IQ Z3 को। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपको लाइक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए ना, तो भी आप IQ Z3 की ओर जा सकते हो। और आपको IQ Z3 की ओर नहीं जाना, तो POCO X3 Pro जो है ना, वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। आप उस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा IQ Z3 के, ठीक है। मैं POCO X3 Pro के जो मेन स्पेसिफिकेशन है नहीं बताने वाला, बिकॉज वीडियो वाला लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, वो चीज़ मैं नहीं चाहता, ठीक है। ये दोनों स्मार्टफोन जो है ना, वो गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं IQ Z3 की मेन स्पेसिफिकेशन से, स्टार्ट कर देते हैं। तो यार 8GB रैम प्लस 128GB रेड जो है, वो आपको 20,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको 6GB रैम प्लस 128GB रेड की ओर जाना है, तो वो आपको 90,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। वैसे ये स्मार्टफोन ना 4 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 6.58 इंच के साथ आपको IPS LCD मिलेगी, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके चिपसेट की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 768 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल के साथ वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल के साथ अल्ट्रा वाइड, एंड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको मैक्रो मिल जाता है, ठीक है। 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाएगी। 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है। 55 वॉट के साथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। 3 कलर्स में देखने को मिलता है IQ Z3। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया IQ Z3 के। तो यार मैं आपको फिर से रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए ना बेस्ट स्मार्टफोन, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। बिकॉज इसका जो चिपसेट है ना, जो इसका प्रोसेसर है, वो सच में आपको तगड़ा मिल जाता है। हाई सेटिंग पे BGMI खेलनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है, मतलब कोई भी गेमिंग करना चाहते हो ना, वो ईजिली कर लोगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। डिज़ाइन लुक कलर वगैरह बहुत प्यारा, आपको पसंद आने वाला है। अगर आपने नहीं चेक किया था, नहीं देखा था, जो बाइंग लिंक है मैंने दे दिया, एक बार आप चेक करो, इस स्मार्टफोन को ज़रूर करना, आपको सच में पसंद आएगा। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पे यार मैंने फिर से रखा है Realme की ओर से स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूं Realme X7 की। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैंने Realme की ओर से 2 स्मार्टफोन रखे हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था Realme 8 Pro को, अभी बात कर रहा हूं Realme X7 की। तो भी आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अगर मैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको 6.4 इंच के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 800U देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। 6GB रैम प्लस 128GB रेड जो है, वो आपको
9999 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सैडा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के साथ, वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल के साथ, अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको मैक्रो मिल जाता है, एंड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाएगी, 4300mAh की बैटरी मिल जाती है, 64W के साथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वैसे ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है रियलमी X7। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया रियलमी X7 के भी, ठीक है। तो अगर आपको इस स्मार्टफोन के और जाना है भाई आप जा सकते हो, अगर आपको रियलमी X7 जो है पसंद आता है तो भी आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको रियलमी 8 प्रो पसंद आता है तो भी आप उसके और भी जा सकते हो। लेकिन जो रिकमेंड करूँगा, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, अभी नहीं बताने वाला, ठीक है। वीडियो का एंड देख लेना, आपको हेल्प करेगा। अगर आपका बजट 20,000 है, स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो इन अक्टूबर में, तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है, वीडियो को मिस मत कर लेना। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे यार मैंने रखा MI 11 Lite को। तो सबसे पहले भाई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है, बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसके लुक वगैरह बहुत अपर है, एंड हैंडी फोन है। हैंडी फोन के साथ साथ आपको लाइट वेट मिल जाता है, स्लिम स्मार्टफोन मिल जाता है, ठीक है। कलर वगैरह बहुत पसंद आएंगे Xiaomi की ओर से देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 6.55 इंच के साथ AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। एंड अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ ना, तो 20,000 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, आपको 21,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है, प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, IP53 रेटिंग मिल जाती है, मतलब डस्ट प्रूफ है, मिट्टी वगैरह गिर भी जाती है, स्मार्टफोन खराब नहीं होने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा। अगर मैं चिपसेट की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलेगा, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। 6GB रैम प्लस 128GB रेंज जो है वो आपको 21,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है, प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। ट्रिपल कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल के साथ, वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल के साथ, अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल के साथ आपको मैक्रो मिल जाता है, 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 60 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो आपको 4520mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W के साथ फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है MI 11 Lite में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI 11 Lite के, तो भी अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है तो भी आप जा सकते हो। हैंडी स्मार्टफोन है, लाइट वेट स्मार्टफोन है, उसके साथ साथ भी आपको स्लिम स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया। यार आगे बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करो, नंबर 1 पे यार मैंने फिर से रखा है Xiaomi की ओर से स्मार्टफोन, मैं बात करूँ Redmi Note 10 Pro Max की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, ये भी आपको 20,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है, ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा, प्लस इसमें भी आपको IP53 डस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, 6.67 इंच के साथ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। कैमरे की बात करूं, आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा मिल जाता है, जिसमें आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, 30fps पर 60 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है, 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W के साथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 3 कलर्स में देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 Pro Max। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro Max के भी, ये स्मार्टफोन भी पैसा वसूल होने वाला है, तो भाई आपने इसकी और जाना है तो भाई आप इसकी और भी जा सकते हो। एंड इतने प्राइस रेंज में ना Redmi Note 10 Pro Max जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जो कि सच बात है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा, ठीक है। अभी कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर मेरा बजट होता ना 20,000, तो मैं किस स्मार्टफोन की ओर जाता यार? अगर मेरे को गेमिंग के लिए चाहिए होता ना, तो मैं IQ Z3 की ओर जाता या Poco X3 Pro की ओर जाता, ठीक है। अगर मेरे को बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए होता तो मैं जाता Redmi Note 10 Pro Max की, और अगर मेरे को एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए होता तो मैं जाता MI 11X की, ठीक है, सॉरी MI 11 Lite की, ठीक है। अगर मेरे को लाइक Realme का स्मार्टफोन चाहिए होता तो मैं जाता Realme X7 की। तो आप देख लेना आपकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है कदम, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।